अंदर क्या होता है, तीन रीजन होते हैं। रीजन मीन्स मतलब डीएनए के अंदर ना कुछ सीक्वेंस होते हैं जहां से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो डीएनए का वो सीक्वेंस मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, डीएनए का वो क्या है आपका सीक्वेंस, मान लो ये है वो सीक्वेंस, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि इसको आरएनए बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डीएनए की। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये हमेशा आरएनए बनाता कहां से कहां है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप ये ध्यान रखना, वो सीक्वेंस जहां से आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जुड़ेगा, क्या करेगा, जुड़ेगा, उस सीक्वेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं, ठीक है। और वो सीक्वेंस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज मतलब ये जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होगी रुकेगी, उस रीजन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। मेरी बात समझो, डीएनए में वो सीक्वेंस जहां से आपका मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा, या आपका जो आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, जुड़ेगा, जिस सीक्वेंस से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी उस सीक्वेंस की साइट को क्या बोलते हैं, प्रमोटर। और जिस सीक्वेंस पे, जिस डीएनए की सीक्वेंस पे आपका ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो क्या होगा, रुकेगा, उसी रीजन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। बेसिकली ये जगह है, ये बेसिस के क्या है आपके सीक्वेंस है, जो कि जेनेटिक कोड में बताऊंगा, स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन इनके बारे में, ठीक है। अब होता क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो डीएनए है पूरा का पूरा, क्या पूरा का पूरा डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, नहीं, ठीक है। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसकी कोडिंग की जाएगी, उस हिस्से को अपन लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, डीएनए का वो पार्ट जो कि किसकी कोडिंग करेगा, आरएनए की कोडिंग करेगा, आरएनए बनाएगा, उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। पूरा का पूरा जो डीएनए होता है उससे आरएनए नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता होगा डीएनए के कुछ जो हिस्से होते हैं जो कि आरएनए बनाते हैं, तो उसी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ऑल जीन आर डीएनए, क्योंकि जीन किसका पार्ट है, डीएनए का, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, क्योंकि कुछ डीएनए के ऐसे हिस्से होते हैं जो आरएनए नहीं बनाते हैं। तो डीएनए के जो हिस्से आरएनए नहीं बनाते हैं, क्या वो जीन होती है, नहीं होती है। डीएनए का वो हिस्सा जो आरएनए बनाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसके अंदर तीन है बेसिकली। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए के अंदर कुछ रीजन है, कुछ बेसिस के सीक्वेंस है जहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा और क्या होगा, रुकेगा। जिस बेस के सीक्वेंस पे, जिस रीजन पे आपका आरएनए पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उस रीजन को क्या बोलेंगे, प्रमोटर। जिस रीजन पे आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, आपका रुकेगा, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर। और डीएनए का वो हिस्सा, ठीक है ना, जो डीएनए से आरएनए बनाएगा, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। इसी वजह से बोला जाता है ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। ये चीज है। अब एक चीज समझो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा कहां से कहां बनाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है। तो अब ये है, अब इसमें से कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, ये देखना है अपने को। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री वाले को ही तो बनाएगा। तो यहाँ क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो भी आपका आरएनए पॉलीमरेज होगा वो इसको क्या करेगा, इसी की कोडिंग करेगा। किसकी कोडिंग करेगा, इसी की कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस स्ट्रैंड को बेसिकली आप क्या बोल दोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस डीएनए के स्ट्रैंड आप आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा, तो ये क्या है आपका, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जाहिर सी बात है, इसी से इसी की जब स्ट्रैंड को क्या किया जाएगा, ठीक है ना, कॉपी किया जाएगा, तभी तो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो जिस डीएनए के सेगमेंट को या स्ट्रैंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएनए बनाने में यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसे क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कोडिंग स्ट्रैंड से आपका आरएनए बनेगा, नहीं सर, नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये समझो जो मैं बोल रहा हूं। अगर मान लो पेपर में आ जाए, नीट के अंदर या सीबीएसई के अंदर जैसे भी, कि जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है,
ऐसे बताएगा नहीं कौन सा टेम्पलेट, आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो मुझे पता है हमेशा कहाँ से कहाँ बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका मतलब ये मेरा टेम्पलेट होगा, ये मेरा कोडिंग होगा। तो टेम्पलेट से बोलेगा आरएनए बनाओ, क्या बनाओ आरएनए। तो यहाँ पर मैं साइड में बना के आपको दिखाता हूँ, ये आपका टेम्पलेट है। तो अगर इसका आरएनए बनाना होगा, क्या बनाना होगा आरएनए, तो मुझे एक बात बताओ, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, मतलब थायमिन आएगा। लेकिन आपको पता है कि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, क्या होता है यूरेसिल होता है। फिर आपको पता होगा जो आपका थायमिन है, थायमिन की जगह क्या जाएगा एडेनिन, ठीक। और फिर ये सी की जगह ग्वानाइन और जी की जगह क्या जाएगा सी। तो ये आपका आरएनए बन गया, क्या बन गया आरएनए, ठीक है। आप देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड से आप क्या बना रहे हो आरएनए बना रहे हो, ठीक है। अगर मान लो टेम्पलेट से बोले कोडिंग तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा ना। पेपर में ऐसे नहीं देगा, आप ऐसे भी दे देगा, या बहुत बार मान लो सिर्फ ये दे दे और बोले कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका आरएनए बनाओ, तो बना लोगे आरएनए, ठीक है। अगर सिर्फ ये देगा, कहेगा भाई कोडिंग बनाओ, तो इसका जस्ट क्या बना दोगे कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर मान लो कोडिंग दे दे, क्या दे दे कोडिंग, और कहे कि भाई आरएनए बनाओ, क्या बनाओ आरएनए। देखना जरा कोडिंग और आरएनए में कोई अंतर है क्या, ध्यान से देखना जरा, यहाँ सी यहाँ सी यहाँ टी, मतलब कुछ अंतर नहीं है, बस एक ही चीज का अंतर है, अगर यहाँ थायमिन है तो मतलब सेम ही है पूरी सीक्वेंस, बस थायमिन की जगह आपको क्या कर देना है यूरेसिल कर देना है, क्या कर देना है यूरेसिल। पेपर में अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड सिर्फ दे, बोले आरएनए बनाना है तो आराम से बना लोगे, इसका कोडिंग सीक्वेंस बनाना होगा तो भी बना लोगे ये वाली स्ट्रैंड। लेकिन मान लो कोडिंग दे दे और बोले आरएनए बनाओ, है ना, तो आप देखो ये दोनों ही सीक्वेंस सेम है, बस इसके अंदर जहां आपका थायमिन दिख जाए ना उसकी जगह क्या कर देना यूरेसिल कर देना, ये दिमाग में आप सेट करके रखो। तो पेपर में बहुत बार आता है आपका टेम्पलेट से कोडिंग दे देगा, कोडिंग से कहेगा आरएनए बना दो, ये टेम्पलेट से बोलेगा आरएनए बना दो, तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बस एक रीजन है, जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, उस बेस के सीक्वेंस को, उस रीजन को क्या बोल रहे हैं प्रोमोटर, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक रही है उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं टर्मिनेटर, ठीक है। और जिस डीएनए के सेगमेंट को क्या किया जा रहा है कोड किया जा रहा है, अरे पूरा डीएनए माना जाएगा ना, एक ही होता है इसमें, तो उस डीएनए के सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दोनों सेगमेंट है, दो में से किसी एक ही को यूज किया जाएगा आरएनए बनाने के लिए, तो जिसको यूज करोगे उसे क्या बोलोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा उसे क्या बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, बोलो क्लियर है, ठीक है।